आज के इस वीडियो में हम द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट का अध्ययन करेंगे। किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों, न्यूक्लियन प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को कहते हैं, के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है और यह द्रव्यमान अंतर ही नाभिक का द्रव्यमान क्षत कहलाता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव्यमान क्षत बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और उसमें से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान घटा देते हैं। इसको हम अगर सूत्र के रूप में लिखें, यह देखें, यदि किसी परमाणु को हम यक्स व्यक्त करें, उसका परमाणु क्रमांक जेड हो तथा द्रव्यमान संख्या ए हो, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये जेड हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या उनकी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे, ए माइनस जेड होगी। अब आए, यदि हम मान लें प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी, एम मास है, पी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एन स्मॉल एन है और नाभिक का द्रव्यमान एम न्यूक्लियस कैपिटल एन, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर, अब इसमें देखें प्रोटॉन का द्रव्यमान कुल कितने प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी है और प्रोटॉनों की संख्या जेड है, जेड एम पी हो गया प्रोटॉनों का द्रव्यमान। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एमएन है, तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो गया ए माइनस जेड इंटू एमएन और इसमें से नाभिक का द्रव्यमान है एम एन, यह फार्मूला हो गया। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है या दिखाई नहीं पड़ता। यह जो डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त होता है, यही आइंस्टीन के समीकरण E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर के अनुसार ऊर्जा मुक्त होती है, जहां एम द्रव्यमान क्षति है और सी प्रकाश का वेग जो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और यह ऊर्जा ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है जो नाभिक में न्यूट्रॉनों को बांधे रखती है। यही अगर हम बंधन ऊर्जा की भी चर्चा करें नाभिक की, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होती है।